हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ और आज मैं आपके लिए पाइथन बड़े काम के क्वेश्चन सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोट बताते हैं, ठीक है। कोट क्या है? कोट है कि थिंग्स वर्कआउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर्कआउट, ठीक है। तो कोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, आपने को कुछ नहीं करना, आपने को एक एरे दे रखा है, उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के देना है, इस एरे के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल के देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या इसका? अभी अगर हम वैसे करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से, इसके सम को मल्टीप्लिकेशन को इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके मल्टीप्लिकेशन को इससे किया, तो इसका सम आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9, तो 3 टू 6 इंटू 1 6 इंटू 9 54, ठीक है। ये अपन किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं? एक तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन सीधा नंपाई को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंपाई को इंपोर्ट किया अपन ने, ठीक है, नंपाई को इंपोर्ट किया और फिर रिजल्ट आर एस एल टी लिख दिया, ठीक है। रिजल्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, ए आर आर नंपाई कर लेंगे, ठीक है। नंपाई लेंगे, नंपाई डॉट एक इसका प्रोडक्ट फंक्शन लेंगे, प्रोड, उसके अंदर पास कर देंगे अपन ए आर आर, फिर प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। आर एस एल टी रिजल्ट, उसको प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे सीधा आंसर में क्या आ जाएगा, 54। ये एक फंक्शन होता है प्रोड, जो प्रोडक्ट करके देता है पूरे किसी भी एरे का या किसी भी लिस्ट का, ठीक है। तो अभी ये तो डायरेक्ट हो गया, इसको तो करना है नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं, वही अपना क्या है हमेशा वाला, अपन लूप चला देते हैं यहाँ से यहाँ से, ठीक है। और अपन एक क्या, जो अपना आंसर है वो रिजल्ट है, उसको एक आर एस एल टी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अभी इसको अपन यहाँ पे जीरो अगर लेते हैं इनिशियली, तो क्या होगा, जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में आउटपुट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। इसलिए अपन को याद रखना है कि अगर किसी भी चीज़ का सम निकालना है तो उसमें अपन इनिशियली जो आंसर होता है उसको सम में तो जीरो, अगर अपन को प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें हमेशा इनिशियली आंसर को वन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट में अपन क्या करते हैं, इनिशियली आंसर को वन कंसिडर करते हैं, तो अपन ने यहाँ पे इसको इनिशियली वन कंसिडर किया, ठीक है। अभी अपन एक लूप चलाते हैं, ठीक है। लूप किस तरीके से चलेगा, फोर आई इन दिस ए आर आर एरे और लिस्ट, अपने को क्या करना है, रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाना है, क्या रिजल्ट इंटू आई का जो भी प्रोडक्ट है वो। जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा तो प्रिंट करना है यहाँ पे अपने को क्या, आर एस एल टी रिजल्ट प्रिंट करना है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वन था तो वन इंटू क्या होगा, थ्री, वन इंटू थ्री जाएगा कहाँ पे, आर एस एल टी में स्टोर हो जाएगा, वन इंटू थ्री आर एस एल टी में स्टोर हुआ। आर एस एल टी क्या हो गया, सबसे पहले थ्री हो गया, ठीक है। दोबारा क्या होगा, आर एस एल टी में थ्री स्टोर है यहाँ पे, तो थ्री इंटू आई यहाँ पे आ जाएगा, थ्री इंटू टू, तो थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, सिक्स आर एस एल टी में स्टोर हो गया, तो फिर क्या हो गया, सिक्स हो गया स्टोर आर एस एल टी में, ठीक है। आई आ गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या होगा, सिक्स इंटू आई, अभी सिक्स इंटू आई क्या होगा, सिक्स इंटू आई मतलब सिक्स इंटू वन, सिक्स इंटू वन हो गया सिक्स वापस से, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, सिक्स यहाँ पे वापस से स्टोर हो गया। अब ये आई आ गया यहाँ पे, नाइन आ गया, तो फिर क्या होगा, अपना रिजल्ट में था सिक्स, आई अपना नाइन, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 54, तो 54 आ गया रिजल्ट में, रिजल्ट में आ गया यहाँ पे 54। अभी यहाँ पे लूप खत्म हो गया, लूप खत्म होने के जस्ट बाद में अपन ने प्रिंट कर दिया, प्रिंट में रिजल्ट प्रिंट करना था, तो 54 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्प्रेड लव, थैंक यू वेरी मच।